तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की शो में आपको बहुत बढ़िया पर खुशखबरी देने वाले हैं। तो आज की शो आपको बताने वाले हैं, या आज का जो है 11 जुलाई गुरुवार है, जैसे आपको पता होगा। तो आज की शो में आपको छत्तीसगढ़ की जो आवास योजना की जो यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई है, उसके बारे में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बताने वाले हैं कि सीएम ने यहाँ पर कैबिनेट जो बैठक हुई उसमें क्या आवास योजना को लेकर क्या यहाँ पर बड़ी ऐलान किया है इसके बारे में। साथ ही आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की जो बारिश है उसके यहाँ पर कई जिलों में किसानों के यहाँ पर समस्या को बढ़ पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं आ रही है। तो आज की शो में पूरी जानकारी आवास योजना से जुड़ी आपको अपडेट यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर सीएम ने कैबिनेट जो बैठक हुई है 10 जुलाई को, यहाँ पर उसके बारे में क्या बोला है सीएम ने, आवास योजना के तहत क्या यहाँ पर बड़ी ऐलान किया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हम देने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको हम बता पाएंगे कि कौन से पर जानकारी दिया है, कब इसका जो ऑनलाइन जो रजिस्टर स्टार्ट होने वाला है फिर से। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को सेलेक्ट करना, जैसे कोई और अपडेट आई आवास योजना को लेकर उससे फिर वीडियो हम अपलोड कर सकें। तो आज की वीडियो में इसी की जानकारी आपको देने वाले हैं, पूरी जानकारी इस डिटेल में आपको बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की जो आवास योजना की जो कैबिनेट जो बैठक हुई है 10 जुलाई में, यहाँ पर जो 12 बजे कल के जो डेट में, जो उसके बारे में सीएम ने जहाँ पर क्या बात कही है इसके बारे में आपको हम वीडियो में बताएंगे। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर आवास योजना है वो कई दिनों से यहाँ पर जो किस्त है वो भी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो उससे लेकर क्या कहा है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पर विष्णुदेव साय ने यहाँ पर, जैसे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है सीएम है विष्णुदेव साय ने यहाँ पर मंगलवार को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मंगलवार कैबिनेट यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉपी ट्यूजेस यहाँ पर जो दिया गया है। तो मंगलवार को यहाँ पर कैबिनेट जो बैठक हुई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर देखते हैं 47,090 यहाँ पर अब जो आवास देने का यहाँ पर फैसला हुआ कैबिनेट के पिछले साल यहाँ पर देखते हैं कांग्रेस यहाँ पर सरकार की तरफ से के दौरान किए गए यहाँ पर सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण में बेघरों को यहाँ पर दिशा से आवाज देने की यहाँ पर बड़ा फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने यहाँ पर बताया है कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय की यहाँ पर अध्यक्षता के मंगलवार को यहाँ पर महानदी के भवन में यहाँ पर जैसे मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई आयोजित की गई है, उसमें यहाँ पर कहा है कि बैठक में कहते हुए सीएम ने जो कहा है कि यहाँ पर बैठक के दौरान यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो जरूरतमंद यहाँ पर 47,090 आवासहीन जो आवास के पास नहीं परिवार को यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर आवास देने की यहाँ पर बड़ी ऐलान की गई है। जो बैठक हुई इसमें तो 47,090 परिवार को यहाँ पर दिया जाएगा आवास योजना के लिए, हम कुछ यहाँ पर पात्रताएँ भी यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया है। तो छत्तीसगढ़ की यहाँ पर पात्रताएँ क्या है उसके बारे में आपको भी बताते चले। तो दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो पिछले साल यहाँ पर कांग्रेस सरकार के दौरान सामाजिक आर्थिक यहाँ पर सर्वेक्षण कराया गया था, वह पर सर्वेक्षण के दौरान 59.79 लाख यहाँ पर परिवार को किया गया है था, जिसमें यहाँ पर 47,090 के बेघर अभी भी पाया गया है, पहचान किया गया, जिसमें यहाँ पर जरूरतमंद आवासहीन जिसके पास आवास नहीं है, रहने के लिए सुविधा नहीं है, उनके यहाँ पर सरकार तरफ से इसमें यहाँ पर 47,090 में यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसे लिस्ट में भी यहाँ पर जिससे लिस्ट नहीं है। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की छत्तीसगढ़ आवास योजना के तहत ग्रामीण के तहत यहाँ पर दिया जाएगा यहाँ पर बेघर आवास योजना के तहत, आपको बताते चले। तो अधिकारियों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक यहाँ पर राज्य में कुल यहाँ पर 59.79 लाख परिवार को संरक्षण किया गया है, जिसमें पर 47,090 ऐसे पाए गए हैं जिसमें आवासहीन है लेकिन उनका नाम सामाजिक आर्थिक जिसमें जाति के बाद यहाँ पर जनगणना की स्थायी यहाँ पर सूची में नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक माने गए तो आवासहीन परिवार को यहाँ पर आवास की ग्रामीण योजना के तहत निर्णय दिया गया है, 47,090 को यहाँ पर आवास योजना का लाभ दिया जाएगा सरकार की तरफ से, कैबिनेट जो बैठक हुई है उसमें यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर आवास योजना के लिए पंजीकरण के लिए तिथि यहाँ पर बढ़ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आवास के बारे में बात करते हैं, तो पंजीकरण वो जो है वहाँ पर 2024 तक था, लेकिन यहाँ पर मार्च 2027 तक जो 3 साल की यहाँ पर वृद्धि भी कर दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर साथ ही यहाँ पर मंत्रिमंडल के रायपुर आवासहीन जो परिवार हैं उनके लिए यहाँ पर जिनको भी आवास नहीं मिला उनके लिए यहाँ पर पंजीकरण के लिए 3 वर्ष के यहाँ पर फैसला किया गया। उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर 3 वर्ष बैठक के दौरान 3 वर्ष जो है आवास पंजीयन के लिए 3 वर्ष की जो यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। 2002 के यहाँ पर जिसने संशोधित में 2022 के संशोधन प्रारूप किया गया है, 2025 में जो मार्च में जो लास्ट था उसको यहाँ पर बढ़ाकर यहाँ पर 27 तक कर दिया गया। मंत्रिमंडल में देख सकते हैं
ने यहाँ पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो यहाँ पर 3 साल की वृद्धि करती है, जिन मतलब जो आवासहीन है उनके यहाँ पर 3 साल तक यहाँ पर और आवेदन आगे बढ़ा दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान यहाँ पर सीएम ने कुछ यहाँ पर ऐलान किया है आवास के, तो जल्द ही इसका जो आवेदन है वो फिर से यहाँ पर पंजीकरण यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो 47,090 बेघर जो आवासहीन को यहाँ पर आवास देने के यहाँ पर बड़ा फैसला किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट शुरू में, तब तक के जय हिंद जय भारत।